गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? देखिए हमारे यहाँ का वातावरण, देखिए कितने, देखिए तेज़ हवाएं चल रही है यहाँ पर, और बादल देखिए फ्रेंड्स कितने घने और काले हो गए हैं। देखिए हो सकता है काफ़ी बारिश आएगी, जो आज दोपहर में जो साइक्लोन आने वाला है गुजरात के बॉर्डर पे, हो सकता है उसका थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर भी दिखे। तो मैं फ्रेंड्स आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। तो आप ये जो देख रहे हैं एस्परेगस फर्न का जो हैंगिंग बास्केट है, उसमें फ्रेंड्स कुछ दिन पहले से एक बर्ड आता था फ्रेंड्स, एक जो चिड़िया आती थी और बैठकर चली जाती थी। दो तीन दिनों से मैंने जो है लगातार उसमें देखा था कि वो आकर बैठकर चली जाती थी। तो फिर मेरा ध्यान गया कि शायद हो सकता है वो अपना घर बना रही हो। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो अपना घर जो है इस हैंगिंग बास्केट में बनाए, क्योंकि आपको पता है अगर उसने जो है अगर अंडे दे दिए तो हमें वो छूने नहीं देगी। तो मैंने जो है अपने हैंगिंग बास्केट उतार लिए थे, आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से जो है मेरे हैंगिंग बास्केट नीचे ही थे, ऊपर नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसमें तो नहीं, लेकिन मैं उनके लिए जो है एक घर बना दूंगी कार्डबोर्ड या किसी से भी, ताकि जो अपना घर है अगर बनाना चाहे तो यहाँ बना सकती है, तो मैंने सोचा था। तो फिर कुछ दिन बाद फ्रेंड्स हम एक फ़र्नीचर शॉप गए थे, वहाँ पर ऐसे विज़िट करने के लिए हमें कुछ फर्नीचर लेना था। तो वहाँ पर हम विज़िट करके निकल रहे थे, तो ऐसे कोई फर्नीचर शॉप वाले गिफ्ट नहीं देते हैं, बट देखिए भगवान का जो इशारा, देखिए भगवान जो हेल्प करते हैं हमें, उन्होंने जो है एज़ अ गिफ्ट, विजिटिंग गिफ्ट, उन्होंने हमें जो है वो एक घर दिया था, बर्ड हाउस दिया था फ्रेंड्स। तो मैं एकदम शॉक रह गई कि मैं सोच ही रही थी कि मैं बर्ड के लिए जो है एक हाउस बनाऊँगी, और देखिए ऊपर वाले ने मेरी मदद भी कर दी, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और उन्होंने जो है मुझे एक बना बनाया जो है एक बर्ड हाउस दे दिया था। तो फ्रेंड्स मैंने उसे थोड़ा सा जो है पेंटिंग करके लटकाया है, हैंग किया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप मुझे बताइएगा कि वो कैसा लग रहा है। तो हवाएं देखिए हमारे यहाँ काफ़ी चल रही है, तो आप मुझे देखकर बताइए कि कैसा लग रहा है वो हैंगिंग जो हैंग किया है मैंने बर्ड नेस्ट। देखिए वो बगल में आपको दिख रहा होगा, ये रहा फ्रेंड्स मेरा वो बर्ड हाउस। देखिए मुझे कुछ ज़्यादा पेंटिंग आती नहीं है फ्रेंड्स, बट मैंने कोशिश किया है उसको सजाने की। देखिए कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो है कहते हैं ना कि हम कुछ सोचते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है, तो देखिए ऊपर वाले ने मेरी मदद की। तो मैंने देखिए उसे थोड़ा सा डेकोरेट किया है, ताकि जो है हमारा घर भी सुंदर लगे और बर्ड को भी जो है उसका हाउस अच्छा लगे। तो देखिए मैंने थोड़ी बहुत पेंटिंग की है, शायद इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स इसको जो है हैंग करके। अब देखते हैं कब चिड़िया आती है अपना जो है इसमें वो रहने लगती है, जो जब भी रहने लगेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स बस मुझे यही शेयर करना था कि अगर हम चाहे तो देखिए ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। तो आप भी कुछ अगर सोचते हो तो आपकी भी ज़रूर इच्छाएं पूरी होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी सेफ। बारिश कभी भी हो सकती है फ्रेंड्स, तो अपना और अपना गार्डन का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।